दोस्तों तो कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी। ठीक है, नाम तो सभी ने सुना होगा कि टीवी। ठीक है, टीवी की डेफिनेशन की बात करेंगे हम, कॉजेज की बात करेंगे, इसे रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं इसके, और इसकी कौन कौन सी स्टेज है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। उनकी पैथोफिजियो के बारे में बात करेंगे कि कैसे बॉडी में कैसे एंटर कर रहा है और डिजीज कोज कर रहा है। ठीक है, फिर तो हम बात करेंगे साइन सिम्टम्स की, कि हमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं टीवी में। ठीक है, और सिक्स हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की। ठीक है, कि कौन कौन से टेस्ट है जिनसे हम टीबी को डायग्नोस कर सकें। ठीक है, अब सेवन नंबर पे है मेडिकल मैनेजमेंट की। ठीक है, कि कौन कौन से ड्रग्स या मेडिसिन है जिसके थ्रू हम टीबी को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टीबी की, कि टीबी क्या होता है। ठीक है, टीबी की फुल फॉर्म होती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है टीबी की। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज ए कॉन्टाजीनियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली इन्वॉल्व्स द लंग्स बट मे स्प्रेड टू अनदर ऑर्गन्स। ये क्या कह रहे हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज ए कॉन्टाजीनियस डिजीज है, कि ये कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलती है 1% टू अनदर पर्सन। ठीक है, किसके थ्रू? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू। दैट मेनली, जो किसको मेनली किसको इन्वॉल्व करती है? लंग्स को। ठीक है, बट स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, और ये अदर बॉडी के ऑर्गन्स है उनमें भी स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज करेक्टराइज बाई द ग्रोथ ऑफ नोड्यूल्स इन द टिश्यूज एस्पेशली द लंग्स। क्या कह रहे हैं? जो इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है, जो क्या करती है, इसकी क्या विशेषता है कि ये ग्रोथ ऑफ नोड्यूल्स, कि नूडल्स गांठ की टाइप में बनाती है, जिसे हम ट्यूबर ट्यूबरकल्स बोलते हैं, इन द टिश्यूज में। किस में? टिश्यूज में, स्पेशली किस में बना रही है? मेनली लंग्स में। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? टीबी बोल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम इसके कॉजेज की, कि कौन कौन से कॉजेज है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो टीबी को कोज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करेंगे हम, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज कोज बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, फर्स्ट मेनली कोज यही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, सेकंड बात करें तो हम बाई एयर ड्रॉपलेट कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, कि ये किसके थ्रू हो रहा है? ये छींकने के और खांसने के द्वारा अदर व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आने से हो रहा है। ठीक है, थर्ड बात करें हम बाई क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। यदि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है पहले से ही, यदि उसके पास में हम कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं, तो उसके थ्रू भी ये टीबी फैल सकता है। ठीक है, थर्ड बात करें हम रिस्क फैक्टर। ठीक है, जो भी है। अब बात करते हैं माल न्यूट्रिशन, यदि माल न्यूट्रिशन की कमी हो, न्यूट्रिशन कम दे रहा हो डाइट में, ठीक है, उससे भी टीबी कॉज हो सकता है। एक्सेसिव एल्कोहल एडिक्शन, मान लो वो ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल पी रहा है, ठीक है, ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है। और इम्यून सप्रेसिव क्लाइंट्स, ठीक है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, उसमें भी टीबी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, पुअर हेल्थ चिल्ड्रन अंडर एज 5, स्मोकिंग। इसमें क्या होता है कि पुअर हेल्थ होती है, जो चिल्ड्रंस है वो 5 एज के अंडर स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, इनसे टीबी कॉज होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसकी स्टेजेज की, कितनी स्टेजेज है। मेनली 3 स्टेज है, प्राइम स्टेज, लेटेंट स्टेज एंड एक्टिव स्टेज। प्राइम स्टेज में क्या होता है कि जो पीपल का इम्यून सिस्टम है वो वीक होने लगता है, और सिम्टम्स है वो हमें 1 से 2 वीक में दिखाई देते हैं। ठीक है, आफ्टर माइक्रोजम एंटर इन द बॉडी। ठीक है, जब माइक्रोजम, जो भी बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है, जो बॉडी में एंटर करता है, उसी को हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब लेटेंट स्टेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियम में आल्सो एब्जॉर्ब बाई मैक्रोफेजेस और WBC, एंड सच बैक्टीरिया कैन परसिस्ट इन साइड द मैक्रोफेज एंड रिमेन डोरमेंट फॉर ईयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया है उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, किसके द्वारा? माइक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा और WBC के द्वारा। ठीक है, इसको एनल कर लिया जाता है। ठीक है, एंड बैक्टीरिया वो परसिस्ट इन साइड, किसकी तरफ रहता है बैक्टीरिया? किसके अंदर रहता है? मैक्रोफेजेस के अंदर, और रिमेन डोरमेंट फॉर ईयर्स, और ये कई सालों तक बना रहता है। क्या है? नो सिम्टम्स एंड नॉट कम्युनिकेबल। ये इसमें क्या होता है कि ये नॉट, कोई सिम्टम्स नहीं शो करता और नॉट कम्युनिकेबल होता है, और ये नहीं फैलता। ठीक है, अब थर्ड बात कर रही है हम एक्टिव स्टेज की बात करें, इसमें क्या होता है कि वेन एवर इम्यून सिस्टम वीकन, बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई एंड मेक यू सिक। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इम्यून सिस्टम है वो वीक हो रहा है, किसके द्वारा? बैक्टीरिया, जो मल्टीपल कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके कारण।
ठीक है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं और ये कम्युनिकेबल भी होता है। ठीक है, ये मतलब कि एक दूसरे पर्सन में फैलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी पैथोफीजो की। ठीक है, कि बॉडी में कैसे एंटर कर रहा है बैक्टीरिया और वायरस जो भी है और टीबी कोज कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यू टू एनी कोज। मान लो कोई एनी कोज हुआ, बैक्टीरिया के थ्रू हुआ या ड्रॉपलेट न्यूक्लिया के थ्रू हुआ, ठीक है, स्नीजिंग या पफिंग के थ्रू हुआ, तो क्या हुआ, बैक्टीरिया ट्रांसमिट टू एलवेओलाई। तो बैक्टीरिया वो ट्रांसमिट हो गया किसके अंदर, एलवेओलाई के, और डिपॉजिट एंड मल्टीप्लाई, और वो अंदर चले गया, वहाँ पर जमा हो गया और खुद में ग्रोथ कर लिया, बैक्टीरिया ग्रोथ में कई सारे मल्टीप्लाई कर लिए उसने। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स स्टिमुलस। ठीक है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया, तो क्या हुआ, मैक्रोफेजेस कम एंड डेस्ट्रॉय मैनी बैक्टीरिया एंड नॉर्मल टिश्यूज। तो क्या हुआ कि मैक्रोफेजेस सेल आई और बैक्टीरिया को डेस्ट्रॉय, मैनी बैक्टीरिया हैं जो भी, उनको डेस्ट्रॉय करने का काम किया और नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, डेड बेसिलाई एंड लाइव मासेज सराउंड बाई मैक्रोफेजेस। तो क्या हुआ, जो भी डेड बेसिलाई है, जो भी हम ये बैक्टीरिया किल किए मैक्रोफेजेस ने, और जो भी वहाँ के लाइव मासेज है, ठीक है, वो सराउंडेड बाई मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस के सराउंडेड हो गए। ठीक है, आसपास, जिसे हमने क्या बोल दिया, कॉर्न ट्यूबरकल। ठीक है, अब क्या हुआ, जो जो डेथ हुई है, ठीक है, और जो मासेज है उनका क्या हुआ, नेक्रोटिक डीनाइजेशन आकर, तो वहाँ पर क्या हुआ कि नेक्रोटिक डीनाइजेशन, वहाँ की जो वो है प्रोडक्शन ऑफ कैविटी फिल्ड विद चीज लाइक मास ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई। तो क्या हुआ कि जो वहाँ की जो सेल्स टिश्यूज की डेथ हुई थी, ठीक है, उनसे क्या हुआ कि कैविटी फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, वो चीज़ लाइक मास ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई, ठीक है, जो बैक्टीरिया किल हुए थे वो उसमें बढ़ गए। ठीक है, एंड डेड डब्ल्यू बी सी एंड नेक्रोटिक टिश्यूज, ठीक है, इसके द्वारा। ठीक है, तो जिसको हमें क्या देखने की कंडीशन मिली, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पर साइन एंड सिम्टम्स, कि टीबी में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट बात करते हो लॉन्ग टर्म कफ, इसमें क्या होता है कि जो हमें खांसी है वो मोर देन 3 वीक, ठीक है, हमें 3 वीक से ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड इन कफ, जो हमारी खांसी है कफ में, वो हमें उसमें हमें ब्लड देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीवर, इसमें हमें फीवर भी आता है। नेक्स्ट बात करेंगे चेस्ट पेन, इसमें हमारे चेस्ट पेन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जो हमारी सांस लेने है उसमें प्रॉब्लम होती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट चिल, ठीक है, हमें चिल फील होती है, ठंड महसूस फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नाइट स्वीट की, ठीक है, हमें रात में पसीने भी आते हैं, और इसमें मेन लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, हमें भूख की कमी भी हो जाती है जिसके कारण हमारा वेट लॉस होता है। ठीक है, वीकनेस भी हो जाती है और फटी कमी थकान भी महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं 6 नंबर पे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम टीबी को डायग्नोस कर सके। फर्स्ट बात कर रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जो भी है वाइटल साइंस। ठीक है, सेकंड हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे। एक्सरे किसके लिए कर रहे हैं, हम जो भी नोडुल्स है, हमने पढ़े थे कि जो भी डिपोजिशन हुआ था नेक्रोटिक टिश्यू सेल बेसिलाई का, ठीक है, उसी को हम देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं स्पूटम टेस्ट, जो हमारा कफ है, ठीक है, उसमें ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, उसी को प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस्ड लाइट, ठीक है, उसी को डायग्नोस करने के लिए हम स्पूटम टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं हम मॉन्टैक टेस्ट, ठीक है, इसे हम ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट भी कहते हैं, जिसे में हमारी क्या होती है कि 0.1 ml ID दिया जाता है इसको, ठीक है, इंट्राडर्मली दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट जिसमें हमारे WCB की चेक करते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन के दौरान, और ESR भी चेक करते हैं मेनली चिल्ड्रन के अंदर विद ट्यूबरकुलोसिस के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट की, ठीक है, कि कौन कौन सी मेडिसन्स है जिनके द्वारा हम टीबी को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें 2 लाइन्स में हमें इसको ड्रग्स देनी होती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में हम बात करें तो रिफाम्बिसिन, सेकंड में बात करें तो आइसोनियाज़िड, ठीक है, थर्ड बात करेंगे पाइराजिमाइड, ठीक है, नेक्स्ट इथाम्बुटोल, लास्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हमारी फर्स्ट लाइन की मेडिसिन है जिन्हें हम 2 मंथ में दी जाती है। ठीक है, सेकंड की बात करें तो काइनामाइसिन, इथियोनामाइड, पैरामिनो सेल्सिलिक एसिड, और नेक्स्ट वन
थियासिटाजोन, ठीक है, ये हमें 4 मंथ के अंदर अंदर देनी होती है, ठीक है। ये कुल मिलाकर 6 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है। और भी जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, ऑफ्लोक्सिन हो गई, सिप्रोफ्लोक्सिन हो गई, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गई, रिफाबूटिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें हम, अब नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 6 मंथ का कोर्स होता है, जिसमें हमें 2 मंथ में फर्स्ट लाइन की मेडिसिन दी जाती है, अगर वो उसके बाद में हमें सेकेंड लाइन की मेडिसिन दी जाती है 4 मंथ के लिए, ठीक है। डॉट्स जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, जिसमें आइसोजेनोमाइड, रिफाम्बिन, पायराजिमाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, और सेकेंड लाइन में आइसोजेनाइड और रिफाम्बिसिन, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।